Mr. Plaza. क्या है मिस्टर लाफा? वो मारा। लड़ेंगे दो बॉक्सर और जीत होगी हमारी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी प्राइवेट फाइल एक बार फिर खुलेगी, हमारी स्कीमें फिर अपना जलवा दिखाएंगी। अब अपनी स्कीमों का दफ्तर बंद करो लाफा, वरना ये तेल के पकोड़े और चने भी नसीब नहीं होंगे। भूलते हो प्लासा, इन्हीं स्कीमों की बदौलत हम एक बार नहायत खुशगवार जिंदगी गुजार चुके हैं। हमारे वीर्य का एक आलीशान ऑफिस था, शानदार फ्लैट था, खूबसूरत कार थी, कार में इंतजाम थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास? सब कुछ था, मगर अब क्या रह गया है? कार बेकार हो गई, आलीशान फ्लैट इस झोपड़े में तब्दील हो गया है और शानदार ऑफिस इस टूटे हुए टुकड़ों में बंद है। जिंदगी इसी का नाम है प्यारे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सोचने वाले दिमाग को जंजीरें पहना दी जाएं। मेरा दावा है कि एक रोज हम जरूर कामयाब होंगे और वही शानदार जिंदगी बसर करेंगे। लाफा, ये तुम नहीं, तुम्हारा भूखा पेट बोल रहा है। लो थोड़े से चने खा लो। लो ये पढ़ो, पहले मेरी स्कीम समझने की कोशिश करो प्लासा। वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में बॉक्सिंग का मुकाबला, मगर इससे क्या होगा? अरे यहीं से तो हमारी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। वो कैसे? तुरंत से प्राइवेट फाइल निकालो और तरकीब नंबर 215 पे नजर डालो, सब समझ में आ जाएगा। कौन सी तरकीब बताई? 215, 213, 214, 215। तुम फिक्र ना करो, बिल्कुल फिक्र ना करो। तारा, हमारी जिंदगी की अंधेरी रात के लिए सुबह का तारा। बेटा तारा। क्या है मां? क्या बताऊं बेटा, लाला जी दरवाजे पर खड़े हैं। लाला जी? कौन से लाला जी? वही पकौड़ी मल जिनसे तेरे पिताजी ने कर्जा लिया था। पकौड़ी मल? पकौड़ी मल यहाँ क्यों आया? नमस्ते लाला जी, कहिए कैसे तकलीफ की? वाह भाई वाह, पूरे 9 महीने बाद आया हूँ, फिर भी पूछते हैं कैसे तकलीफ की। देखा मुनीम जी, अजी कलयुग है लाला जी, घुर कलयुग, आजकल लोग लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। क्या मतलब?
मतलब ये कि हम बार बार तुम्हारे दरवाजे पर धक्के खाने नहीं आएंगे। अजी हमारे लाला जी कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है जो आपकी गली के चक्कर लगाते रहे। अगर अपना भला चाहते हो तो आज ही सारी रकम चुकता कर दो। रकम? कैसी रकम? किसकी रकम? अजी कर्जे की और किसकी? मैंने तो आपसे कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने नहीं तो तुम्हारे बाप ने तो कर्ज लिया था। मुनीम जी दिखा दो इनका खाता। हाँ जी। पिताजी ने जो कर्जा लिया था वो तो कब का अदा हो चुका। अगर अदा हो गया होता तो क्या हम यहाँ झक मारने आते? मुनीम जी दिखाइए इन्हें खाता। खाता गया जहन्नम में। पिताजी ने सिर्फ आपसे 2000 रुपए लिए थे जो पूरे के पूरे भरपाई हो चुके। अब ये 5000 कहाँ से निकल पड़े? अरे ये लेन देन का धंधा है, इसमें असल पर सूद और सूद पर दर सूद होता है। 1 के 14 और 2 के 22 होते हैं। ये बॉक्सिंग की धक्का पेल नहीं, एक नीचे से मारा और 2 ऊपर से, बस छुट्टी। लाला जी जबान संभाल कर बात कीजिए, अगर बेईमानी करोगे तो मैं। बेईमानी तू कर रहा है या मैं? बेईमान तू, तेरा बाप। लाला जी कौन था वो जितने जोर जोर से बोल रहा था? था एक बदमाश। अगर घर पर झूला सब नीलाम न करवा दू तो मेरा नाम पकौड़ी मल नहीं। भाई कुछ भी कहो, ऑफिस भी मिल गया और रहने का ठिकाना भी हो गया, मगर आगे क्या होगा? अपना पत्ता कभी गलत पड़ता ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज सुबह के प्लेन से बॉक्सर चंदन सिंह बम्बई पहुंच गया है, कल तारा भी आ जाएगा।